एजुकेशन दिल्ली से हुई है, बाय बर्थ आई एम फ्रॉम दिल्ली। एजुकेशन मेरी सबसे पहले बीकॉम किया है मैंने श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, उसके बाद मैंने 1.5 साल गूगल में जॉब की है, उसके बाद मैं संन्यास में। परिवार में कितने लोग? परिवार में इंक्लूडिंग मी 4 लोग हैं, मदर फादर और एक एल्डर ब्रदर। संन्यास की तरफ वैसे तो नॉर्मल संसारिक लाइफ अपनी मैं जी रही थी, जो भी सभी जिस तरह सभी जीते हैं। मदर मेरी आध्यात्मिक रही हैं, उन्हीं के साथ मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गई हूँ, तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे वहाँ कहीं नहीं मिली। फिर मैं ईश्वर दर्शन चाहती थी शुरू से ही, कि कोई ऐसा गुरु मुझे चाहिए जो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की मैंने लाइफ स्टोरी पढ़ी है कि वो बहुत सारे गुरुओं के पास गए और सभी से उनका एक ही क्वेश्चन होता था कि क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा सकते हैं। तो अराउंड 48-49 गुरु उसके पास वो गए, बट कहीं से भी उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी कि हाँ मैं ईश्वर का दर्शन करवा सकता हूँ। सभी ने उनको भ्रमित किया केवल। फिर फाइनली उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मिले और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने खुद भी ईश्वर का दर्शन किया है और मैं आपको भी करवा सकता हूँ। और तत्क्षण स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को उस ईश्वर के दर्शन करवाए और वही चाह मेरे अंदर थी कि मुझे उस ईश्वर का दर्शन करना है, क्या वो कोई करवा सकता है। तो फिर फाइनली गुरुमा जो मेरी है माँ आशुतोषाम्बरी जी, उनकी शरण में मैं गई और उन्होंने वो ईश्वर के दर्शन मेरे अंतर्घट के भीतर करवाए और उसके बाद मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हुई। ऐसे ही मैं माँ की शरण में आई और उन्होंने वो दिव्य ज्ञान मुझे दिया, ईश्वर के दर्शन हुए। तो आत्मा में कहीं ना कहीं जो सोया हुआ अध्यात्म था, जिसको संसार में आम मैं थी तो मुझे देख के कोई नहीं कह सकता था कि मैं संन्यास कभी ले भी सकती, लेकिन जैसे ही मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया तो अंदर जो एक आत्मा की तड़प होती है ईश्वर के प्रति, वो जागृत हुई, जो कहीं ना कहीं सुप्त होती है, हम सभी के भीतर वो है, लेकिन वो सुप्त होती है, वो जागृत तब होती है जब एक पूर्ण गुरु के शरण में आप आते हैं और वो पूर्ण गुरु जब आपको उस ज्ञान के माध्यम से आपको उस वो प्रकाश प्रदान करते हैं, तब आपकी वह आत्मा जागृत होती है। जब आप इस तरफ आपका रुझान हुआ तो घर में कोई विरोध? घर में विरोध, मदर तो मेरी, मैंने बताया जैसे कि मदर तो मेरी स्टार्टिंग से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हैं, वो हमेशा से ही चाहती थी, इनफैक्ट वो चाहती ही यही थी कि मेरा एक बच्चा ज़रूर आध्यात्मिक पथ पे निकले। हाँ, फादर और ब्रदर का थोड़ा रहा है, उनको नहीं एक्सेप्टेबल था, क्योंकि आजकल इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि साधु समाज का बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, तो थोड़ा डरे हुए थे वो कि क्या सही मार्ग पे है कि नहीं, लेकिन जैसे ही वो माँ के शरण में आए, माँ के सानिध्य में आए, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं बच्ची सही पथ पे है, तो उन्होंने भी फिर बाद में सपोर्ट किया। जब वो चाहते, देखिए मेरे साइड से सन्यासी का तो वैसे ही घर बार का सब खत्म होता है रिश्ता, लेकिन हमारे गुरु माँ का एक कहना है कि तुमने सन्यास लिया है तो पेरेंट्स जब चाहें वो कॉल कर सकते हैं, पेरेंट्स जब चाहें वो आ सकते हैं, हमें जाने के अंदर से इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि जो मेरी पूर्ण गुरु है हमारी गुरु माँ आशुतोषाम्बरी जी, वो मिलने के बाद वैसे ही मुझे किसी और की आवश्यकता लगती नहीं है, वही हमारा सर्वस्व। यही कहूँगी कि धर्म संसद सबसे पहली बात ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पर, यही बहुत अच्छी और बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है।